रिक्त पदे हैं, मेरिट को डाउन किया जाए, जिसका नंबर आएगा वो सर। इसके लिए हमारा आपका प्रयास पहले से भी था, न्यायपालिका में भी है, क्योंकि सरकार से न्यायपालिका बड़ी होती है, ये आप लोगों को पता है। यहाँ आप लोगों को बुलाया गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि नियुक्ति पत्र यहाँ मिलेगा, यहाँ सिर्फ आवाज एक करके उच्च अधिकारियों तक पहुँचाने का काम किया जाता है, जिससे हमारे आपकी बात वहाँ तक रखी जा सके। 19 तारीख को डबल बेंच में मुकदमा भी है, ये सभी लोगों को अच्छी तरह से पता हो, पता है आप लोगों को। वहाँ पे जो भी बातें काउंटर सरकार से मांगी गई है, हमारा आपका आज का प्रयास यह है कि शासन में चीफ सेक्रेटरी प्रमुख सचिव गृह से हमारी वार्ता कराई जाए और हमारे पक्ष में सरकार जो है वहाँ से काउंटर लगाए, ताकि निर्णय जो भी न्यायपालिका का आएगा वो स्वीकार है। क्योंकि न्यायपालिका सबसे बड़ी है, अगेंस्ट आता है, कुछ नेता है, विपक्ष नेता है, उम्मीदों की पूरी दुनिया टिकी है। अगर हार भी जाते हैं, जीत भी जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में भी खड़े हैं हम लोग। दूसरी चीज, आप लोग किसी भी प्रकार की अभद्रता मत करिए। यहाँ हम सब आप मतलब जो है कि मीडियम परिवार से हैं, आप यहाँ आए हो, कितने दूर से आए हो, सिर्फ नौकरी के लिए आए हो, किसी भी प्रकार की अभद्रता करोगे मुकदमा लिखा जाएगा। यहाँ ना वीर बहादुर साथ देंगे फिर ना जय, वैसे कहेंगे हम साथ हैं फिर भाग जाएंगे सब, समझ रहे हैं। आप किसी के खिलाफ या प्रशासन या लड़के या प्राइवेट वाहन यानी किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को आपसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे है, वार्ता चल रही है, तो वहाँ से लोकेशन मिल रहा है कि चीफ सेक्रेटरी से वार्ता होगी तो हम लोग वापस जाएंगे, नहीं होगी तो यहीं रहेंगे, जब इच्छा होगी कराएंगे। मेरिट भर्ती के बाद दो वैकेंसीज और आई है, पता होगा आप लोगों को, उसमें भी लड़के बचे हैं, समझ रहे हैं ना, वो भी लड़के हैं। ये हमारे यहाँ की जो बात रखी जाएगी सरकार से कि विभाग में जितने पद रिक्त बचे हैं आप उन सभी की मेरिट डाउन करिए, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, नहीं कर सकते हैं तो हम लोगों को उत्तर प्रदेश के निवासी से निरस्त कर दीजिए। सुन लो भाई, प्रयास हम लोग बेहतर से बेहतर करेंगे, ऊपर वाले के हाथ में है, प्रयास तो अपने हाथ में है ना। यस, क्योंकि नौकरी नहीं मिली है तो कहीं की नहीं है, घर वाले भी नहीं पूछे होंगे धरना गए हो कि नहीं गए हो, कमाओगे तो सब साथ देंगे, लेकिन शांतिप्रिय तरीके से अपनी बात को रखनी है, ना कि अभद्रता पूर्वक। आप कल सिपाही बनने जा रहे हैं, मान के चलिए कि आप सिर्फ एक प्रक्रिया से पीछे हैं तो किसी सिपाही से कम भी नहीं है, इतना तो पता ही होगा 2015 से अभी तक। और ये विश्वास रखिए कि अगर प्रयास करते रहेंगे हम लोग तो जीत होगी, और नहीं होगी तो 2022 में सरकार को अंदाजा भी यही बेरोजगार दिखाएंगे, याद रखिएगा। तो आप लोग अभी यहाँ पे रहिए, आप लोग यहीं पे किसी भी तरह कहीं जाएंगे नहीं, बात करके आते हैं सर से, इको गार्डन चलना है, ठीक है। क्योंकि देखिए भीड़ बुलाया गया है ना कि चक्का जाम करने के लिए, इसलिए बुलाया गया है कि हमारी बात शासन तक पहुंचे, अधिकारी संज्ञान में लिए, इसीलिए तो आए हो आप लोग कि रोड जाम करने आए हो कि पब्लिक रुक जाएगी तब हमारी मांग पूरी होगी। रोड जाम करोगे तो भी अधिकारी वही करेंगे, अगर वो काम वो अपने से हम आपको कॉपरेट कर रहे हैं तो क्या हम आप उनको कॉपरेट नहीं कर सकते, सकते हैं ना। हमारा आपका उद्देश्य है हमारी बात को वहां तक रखी जाए, क्योंकि अधिकारी हो या मुख्यमंत्री जी हो, इतने लोगों से तो मिल पाना संभव है नहीं, तो आप लोग चाहते होंगे पांच लोग, जिसको भी आप लोग चाहते होंगे, जो बेहतर तरीके से कम समय में अपनी बात वहां रख सके, आप सबके हित की बात। दूसरी चीज, आप लोग जो है मतलब जिस उम्मीद से आए हैं, ईश्वर चाहेंगे तो उम्मीद आप लोगों का पूरा होगा भैया, आप ठीक है। बात करके आ रहा, फिर आप लोगों को बता रहा।